नमस्ते दोस्तों, मेरा चैनल बिंदु फूड फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे लाजवाब भरवा करेले। बनाने का तरीका बिल्कुल ही आसान है, ये कड़वे भी नहीं बनते। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। करेले हमने 500 ग्राम के करीब लिए हैं। इनको हमने पानी में डाल दिया है धोने के लिए। अब हम इनको इस तरह पिलर की सहायता से छील देंगे, यानी कि पील कर देंगे। इसी तरह हम सारे करेलों को छील देंगे। इस तरह से हम ऊपर का नाकू और नीचे का नाकू उतार देते हैं और बीच में से हम चीरा लगाएंगे। इसी तरह हम सारे करेलों में चीरा लगा देंगे। इसी तरह सारे करेलों में हमने चीरा लगा दिया है। ये बीज बिल्कुल ही कच्चे हैं, अगर बीज पक्का होता तो हम इन्हें निकाल देते। सभी करेलों में नमक लगा देते हैं। नमक हमने 1 टीस्पून लिया है। इसको हम 1-2 घंटे के लिए नमक लगाकर रख देंगे। इसी तरह से हम सभी करेलों में नमक लगा देते हैं। सभी करेलों में नमक लगा दिया है। अब हम इतना नमक हमारा बच गया है, अब हम 1-2 घंटा इनको छोड़ देते हैं, रेस्ट करवा देते हैं ताकि इसका खारा पानी निकल जाए। 2 घंटे हो गए हैं, देखो कड़वा पानी निकल गया है। अब हम पानी में डालकर धो लेते हैं। इनको अच्छे से धोकर निचोड़ लेते हैं पानी। इसी तरह निचोड़ कर सारे करेले निकाल देते हैं। इस तरह कपड़े की सहायता से करेले का पानी पोंछ देते हैं। इसी तरह हम सारे करेलों को सुखा लेते हैं। कढ़ाई में हमने तेल को पहले से ही गर्म कर लिया है। करेलों को फ्राई करेंगे इस तरह से, हम पलटते रहेंगे। अब हम चलते हैं ग्रेवी की ओर। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 6-7 हरी मिर्च, 1 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 बड़े प्याज, 2 बड़े टमाटर। इन सभी को हम रफली काट लेंगे। हरी मिर्च का यूज़ हमने ज़्यादा किया है क्योंकि हरी मिर्च जो है उसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। लाल मिर्च हम थोड़ी डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च का सेवन ज़्यादा किया है। अब हम इस सारे सामान को जार में डालकर ग्राइंड कर देते हैं। ये देखिए ग्राइंड हो गया है। मिश्रण को हमने दरदरा ही रखा है, साथ ही देखो करेले फ्राई हो रहे हैं। साथ ही हम दूसरी कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें हम ग्रेवी तैयार करते हैं करेलों के लिए। ये देखो कढ़ाई हमने ले ली है। इसमें हम डालेंगे अब ऑयल। ऑयल हमने 3 टेबलस्पून के करीब लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई सौंफ। कुटी हुई सौंफ हमने डाल दी है। सौंफ हमारी भुन गई है, इसको हमने हल्का सा ही भूनना है। अब इसमें जाएगी ग्रेवी। ग्रेवी को मीडियम लो फ्लेम में पकाएंगे। अब हम इसको इस तरह से चलाएंगे, साथ ही करेलों को भी पलटते रहेंगे। करेलों को भी हमने लो मीडियम फ्लेम में ही रखा है। करेलों में तेल के अंदर ही हमने हल्दी का 1 टीस्पून डाला है। देखो करेलों का कलर कितना अच्छा आ गया है।
इसके रोम रोम में हल्दी का रंग भर गया है, पर मैं सॉरी आपको हल्दी वीडियो में दिखा नहीं पाई। अब हम मसाले डालेंगे। 2 टीस्पून नमक, नमक हमने सेंधा यूज़ किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च, लाल मिर्च हमने तीखी वाली यूज़ की है। 1 टीस्पून हरा धनिया, अगर आप हरी मिर्च पसंद नहीं करते हो तो आप लाल मिर्च का सेवन 2 मिर्च कर देना, 2 टीस्पून कर देना। सारी ग्रेवी को हम मिक्स कर देते हैं। साथ में हमारे करेले भी डीप फ्राई हो गए हैं, ये देखो ये हमारे पूरी तरह से सिक चुके हैं। अब हम इन करेलों को एक स्टेनर में निकाल लेते हैं ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। ग्रेवी में हम 1 टीस्पून चीनी डालेंगे, इससे बॉडी टेक्सचर अच्छा आएगा ग्रेवी का, यानी कि स्वाद भी बढ़ेगा। ग्रेवी हमारी तैयार है करेले में भरने के लिए। इस तरह से करेला हम भरेंगे, मसाला इस तरह से हम करेले में भरेंगे। इसी तरह हम सारे करेलों को भर देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे ब्लैक लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर नीला कर दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मोटिवेट हों और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की ओर। सारे करेलों की ग्रेवी भर दी है, इनको हम 1-2 मिनट लो फ्लेम पे और पकाएंगे। करेलों को हम 2-3 मिनट के लिए पका चुके हैं। ये देखो करेले हमारे सर्व करने के लिए तैयार है। करेले बहुत ही डिलीशियस बने हैं, इनको हमने धनिया की पत्ती से सजा दिए हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। मिलेंगे एक और अच्छी रेसिपी के साथ। सी यू अगेन। धन्यवाद।